हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे किन्नौर में शराब तैयार की जाती है। तो शराब तैयार करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 3 टाइप के फ्रूट्स। पहला है ये सेब, और दूसरा चुली जिसे हम एप्रिकॉट भी कहते हैं, और तीसरा है बेमी जिसे कहते हैं वाइल्ड पीच। सेब हम 2 टाइप के यूज़ करते हैं। पहला है सूखा सेब, जिन्हें इस तरह से पहले काट लिया जाता है और उन्हें धूप में सुखाया जाता है। और दूसरा है ये वाला टाइप, इसे हम सीधे काटते हैं और सीधे ड्रम में डालते हैं। और सूखे सेबों का फायदा यह है कि वो काफी लंबा चलता है, आप उसे 2 या 3 साल तक यूज कर सकते हो। एक बात आपको क्लियर बता दूं कि ये जो शराब निकालते हैं हम, ये हमारे डोमेस्टिक यूज़ के लिए होता है, जिसका हमारे पास प्रॉपर लाइसेंस होता है। जैसे हमारे पूजा करना होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं शराब को। तो सेब को ड्रम में लगाने के बाद अगला स्टेप आता है, ये जो आप देख रहे हो ये है वाइल्ड पीच जिसे कहते हैं बेमी, और ये पूरी तरीके से धूप में सुखाया गया हुआ है। और इसे पहले हम इस कंटेनर में डालेंगे, और उसके बाद इसमें पानी डाल देंगे और इसे छोड़ देंगे भिगोने के लिए। और उसके बाद इसका छिलके अलग और अंदर की गुट्टी को अलग कर दिया जाएगा। तो इसमें अब मैंने पानी डाल दिया है और इसे छोड़ दिया है मैंने भीगने के लिए। ठीक इसी तरह हम चूली को भी ऐसे ही करेंगे, पहले उसे भिगोएंगे और उसके बाद उसे डाल देंगे ड्रम में। तो पूरे 24 घंटे हो चुके हैं, अब आप देख सकते हो ये बेमी अच्छी तरीके से भीग चुके हैं। और आप देख रहे हो इस तरह से हम इसके छिलके और गुट्टी को अलग करेंगे, मगर इससे पहले हमें इसे करना होता है गरम, ताकि ये आसानी से अलग हो जाए। इसे ज़्यादा गरम नहीं करना होता है, जैसे हम थोड़ा सा गरम करेंगे इसे, जिससे आसानी से ये अलग हो जाए। तो बेमी के बाद अब बारी आती है चुल्ली की। तो आप देख सकते हो इसमें छिलके और गुठली को पहले ही अलग कर दिया गया है। तो अब हम इसे भीगने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद इन्हें डाल दिया जाएगा ड्रम में। तो अब बारी आती है चुल्ली को लगाने की, और आप देख सकते हो ये अच्छी तरीके से भीग चुका है। अब इसे मैं डालूँगा ड्रम में। तो देख सकते हो ड्रम लगभग 80% तक भर चुका है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे हम गुड़, जो कि हम डालेंगे 2 या 3 दिन बाद। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे छोड़ देंगे फर्मेंटेशन के लिए। तो फर्मेंटेशन का टाइम ऐसे अलग अलग रहता है। गर्मियों में ये जल्दी हो जाता है, जैसे हफ्ते या 10 दिन में, जबकि सर्दियों में इसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप इसे बाहर रखोगे तो इसमें 3 या 4 महीने लग सकते हैं। अगर इसे किचन में ही रखोगे, या जिसे हम पंठन कहते हैं, तो वहाँ पर भी इसे 1 या 1.5 महीने लग जाते हैं। तो आफ्टर 1.5 महीने बाद ये हो गया है आप पूरी तरीके से तैयार। तो शराब निकालने के लिए पहला प्रोसेस यही रहता है कि आपको एक बर्तन लेना होता है। जैसे हम ये ले रखे हैं, इसको बोलते हैं हम लामडू, और इसमें हमें जो हमने तैयार किया था मटेरियल, इसे भरना होता है। इसे पूरा फुल नहीं भरना होता है,
जैसे कि आप इसमें देख सकते हो। और इसमें हमको ये ध्यान भी रखना है कि ये ज़्यादा घना भी ना हो। और उसके बाद हम इसे ढक देते हैं इस पत्थर से। और इस पत्थर में जो आप छेद देख रहे हो, इसका भी एक अपना ही यूज़ होता है। जैसे कि जब हम इसमें आग जलाएंगे तो ये उबलेगा, तो यहाँ से बाहर इसके जो वेपर्स निकलेंगे वो इसी से बाहर निकलेंगे। तो आप यहाँ पर जो भी ये गैप देख रहे हो, इसे हमें अच्छी तरीके से एयर टाइट करना होता है ताकि वेपर यहाँ से बाहर ना निकले। तो ये जो आप गैप्स को भरने के लिए हमें एक मिक्सचर तैयार करना होता है, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं ये गोबर और लाल मिट्टी को। ये काफ़ी अच्छा ग्रिप पकड़ लेती है और ये गर्म होने पर बिखरती भी नहीं है। अगर आप कोई दूसरा मिट्टी यूज़ करोगे तो वो गर्म होने पर बिखर जाता है, तो वो अच्छा नहीं रहता है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। तो पत्थर के इस ढक्कन के ऊपर हमें दो और बर्तन रखने होते हैं, जिसमें पहला है ये, जिसे हम लोकल बोली में ठोक कहते हैं। और जो इसमें आप पाइप देख रहे हो, शराब इसी के थ्रू बाहर निकलती है, जबकि इसके ऊपर हमें एक और बर्तन रखना होगा और वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगा। तो इस बर्तन को रखने के लिए पहले हमें बेस तैयार करना होता है, क्योंकि एयर टाइट होना चाहिए। उसके लिए भी हम यही लाल मिट्टी और गोबर का मिक्सचर यूज़ करेंगे। तो एक चीज़ का हमें ख़ास ध्यान रखना होता है कि ये जो दोनों आप छेद देख रहे हो, दोनों एक ही सीध में होना चाहिए, ताकि वेपर आसानी से एक दूसरे के बीच से आसानी से निकल सके। और दूसरी बात ये कि ये जो आप फिर से यहाँ पर गैप देख रहे हो, इसे भी हमें अच्छी तरीके से एयर टाइट कर देना होता है, ताकि वेपर यहाँ से बाहर ना निकल जाए। तो वेपर इस चैम्बर से बाहर निकलेगा और इसके ऊपर रख देंगे हम इसको लाइक ढक्कन टाइप का, और इसके ऊपर डालेंगे हम ठंडा पानी, और वो वेपर यहाँ पर आकर मतलब पानी या शराब में कन्वर्ट हो जाए और वो यहाँ से गिरकर इसके थ्रू यहाँ से बाहर निकल जाएगा। टॉप लेयर के लिए हम यूज़ करेंगे आटा। आटा हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि जैसे हम अगर मिट्टी यहाँ पर भी यूज़ करते तो वो गर्म होने के साथ कहीं शराब के साथ मिक्स हो के वो शराब का टेस्ट ख़राब कर देती है, तो इसी वजह से हम आटा यूज़ करते हैं। तो सब कुछ तैयार होने के बाद इसमें आखिरी स्टेप रहता है आग जलाने का। और आग जलाने के बाद जब ये उबलना शुरू हो जाता है तो इसमें से शराब निकलना शुरू हो जाती है। और मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो शराब है हमारे डोमेस्टिक यूज़ के लिए होता है। जैसे हमारे घर में या कहीं मंदिर में कोई भी पूजा हो तो वहाँ पर शराब का यूज़ होता है पूजा के लिए।